अपनी अपराधी शनाख्त रखती है। इन्होंने अपनी तख्लीकात में जमीर की आवाज़ को नुमाया करने की कोशिश की और हर कदम पर मिट्टी से अपनी वाबस्तगी को ईमानदारी के साथ पेश किया। राजेंद्र यादव के अफसानों और नावल में देहरी और शहरी जिंदगी की जिंदगी का तसादुम भी फनकारी के साथ नुमाया होता है। हिंदी अदब में राजेंद्र यादव अपनी तख्लीकात की वजह से हमेशा जिंदा जावेद रहेंगे। राजेंद्र यादव ने ढेर सारे कहानियों के साथ साथ 6 नावल प्रेत बोलते हैं 1951, उखड़े हुए लोग 1956, उल्टा 1958, शह और मात 1959, अंधे खान जानपल 1963, एक इशुनकान 1963 में तख्लीक किए। इसके अलावा इन्होंने तुर्गेनेव चेखोव और अल्बर्ट कैमो जैसे अजीम रूसी निगारों की कहानी का हिंदी में तर्जुमा करके हिंदी अदब के ज़खीरे में बेशकीमती इजाफे किए। इन्होंने 100 से ज़ायद कहानियाँ लिखीं। इनके अफसानवी मजमू में देवताओं की मूर्तियाँ 1951, खेल खिलौने 1953, जहाँ लक्ष्मी कैद 1957, छोटे छोटे ताजमहल 1961, किनारे से किनारे तक 1962, आत्मी दफ्तर 1994, आदमी की निगाह में औरत 2001, और ये जो आतिश गालिब 2008 में खसूसियत के साथ काबिले जिक्र है। राजेंद्र यादव सिर्फ नसर के जरिए अपने दरीना जज्बात का इजहार नहीं करते बल्कि वक्फे वक्फे से शेरी इजहार में भी दिलचस्पी है। इनकी नज़मों का मजमुआ आवाज़ तेरी है के उनवान से शाया हुआ। राजेंद्र यादव की अदबी खिदमात का एतराफ़ करते हुए इन्हें मुख्तलिफ इनामात और इजाज़ात से भी नवाजा गया। इजाज़ात में शलाका सम्मान 2003, शब्द साधक शिखर सम्मान 2011, यश भारती पुरस्कार 2013 वगैरह काबिले जिक्र हैं। इन्हें एजाजी तौर पर प्रसार भारती की खसूसी कमेटी का रुख मनाया गया, जहां इन्होंने 1999 से 2001 तक अपने खिदमत अंजाम दी। अदब और अदबी सहाफत की एक कामयाब और भरपूर जिंदगी गुजारने के बाद राजेंद्र यादव 28 अक्टूबर 2013 को इस जहान पाने से रहलत कर गए। इनके इंतकाल से हिंदी फिक्शन और अदब की दुनिया में जो खला पैदा हुआ है उसका पुर होना मुश्किल नजर आता है।